ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਿਰੂ ਬਿਜਰਵਾਨ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 76 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਧੱਕੇ ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਸ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 1076 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਆਯੂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੋ ਹੈ ਨਿਰੋਗ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਗ ਦੀ ਰੋਕ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਮਾਧਵ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜਾ ਅਚੰਭਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ MBBS ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ I'll speak in Hindi, right? Yes. Normally, I have done my MBBS. मैंने MBBS किया है मैंने उसके बाद आयुर्वेद सीखा है तो स्टोरी इन शॉर्ट ऐसी थी कि नॉर्मली एलोपैथी में जो कोई भी सीखा था उसी चीज़ को मैं आयुर्वेदिक स्टाइल से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ अगर माधोबा का कंसेप्ट आप समझ लोगे ट्रीटमेंट्स जो होती है वो आयुर्वेदिक होती है लेकिन उसके साथ जो इन्वेस्टिगेशंस होती है जो कोई ट्रीटमेंट से होने वाले जो उपयोग है वो सारे प्रभाव हम ट्रीटमेंट के बाद और ट्रीटमेंट के पहले जो देखते हैं वो मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन से देखते हैं तो कई बार लोगों को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे जो भरोसा हुआ करता था जो विश्वास हुआ करता था वो थोड़ा सा कम हुआ करता था क्योंकि उससे कितना बेनिफिट मिलता है ये समझना बहुत डिफ़िकल्ट था तो हमने इंटीग्रेशन करने के वजह से बिफोर द ट्रीटमेंट एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट हम ये दिखा देते हैं कि पेशेंट को जो ठीक लगा है वो मॉडर्न रिपोर्ट्स पे भी दिखा देते हैं कि ये सूर्य ये जयद्रथ सामने सामने दिखा दिए तो दिस इज व्हाट इज द इम्प्रूवमेंट शोन बाय माधोबाग ट्रीटमेंट्स ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ समझो अगर किसी को शुगर लो होने के वजह से कोई बेहोश गिर जाता है तो नॉर्मली उसके ज़बान पे नॉर्मली क्या डालने के बारे में हम सोचेंगे तो शुगर डाल देंगे और ये शुगर उनके ज़बान पे डालने के बाद कितने मिनटों में वो बंदा खड़ा हो जाएगा तो मे बी 2 मिनटों में तो 2 मिनटों में वो जो खड़ा हो गया बंदा तो वो बेसिक जो शुगर हमने उनके ज़बान पे डाली थी वो शुगर आयुर्वेदिक थी या एलोपैथिक थी आपको क्या लगता है आयुर्वेदिक है शुगर क्योंकि हर्बल है तो इस हर्ब से अगर ये आयुर्वेद से 2 मिनटों में ये बंदा खड़ा हो गया है तो आयुर्वेद को काम करने के लिए सिर्फ 2 मिनट लगे हैं एलोपैथी को शायद ज़्यादा वक्त लगता तो बेसिक समझना ये ज़रूरी है दैट कि ये जो काम करने के लिए आयुर्वेद को ज़्यादा समय लगता है या एलोपैथी को कम समय लगता है ये सवाल नहीं है सवाल ये है कि हम वो जो मेडिसिन है वो किस प्रकार से हम इस्तेमाल करते हैं वो मेडिसिन की ताकत वही होती है हमको उस मेडिसिन को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है तो आयुर्वेदिक दवाइयों को हम जो माधोबाग में इस्तेमाल करते हैं वो मेडिसिन हम बस्ती के थ्रू जब देते हैं तो उस बस्ती के थ्रू वो मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाता है और 2 से 6 घंटों में जैसी वो मेडिसिन अपने हार्ट तक पहुंच जाता है इफेक्ट महसूस होना इमीडिएटली शुरू हो जाता है वैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो ज़्यादातर लोग लेंदे सी कि नज़ला खांसी जुकाम है ना पर एक तुसी ये दिल की बीमारी भी जोड़ ली हुण तुसी दिल की बीमारियाँ दा इलाज भी आयुर्वेद दे राही कर रहे हो एब्सोल्युटली यस और दिल की बीमारियों का इलाज सिर्फ नहीं तो उन दिल की बीमारियों को हम रिवर्स कर रहे हैं उन बीमारियों से हम लोग इतना हम पेशेंट को उसमें से छुड़वाते हैं उनकी लाइफस्टाइल इंप्रूव करवा करके कि उनके रिपोर्ट्स में भी वो दिखाई पड़ता है कि उनकी जो बीमारी थी हार्ट की दिल की वो बीमारी अब इतने हद तक कम हो चुकी है
सो ये सिर्फ हम दिल की इलाज नहीं करते, तो उस दिल को हम ठीक तरह से करके उसको पावरफुल बना करके देते हैं, ताकि लंबी तरह से चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, दौड़ना, ये किसी भी सीने का दर्द या सांस ना फूलना, ये कराने के लिए तय होता है माधोबाग की ट्रीटमेंट्स। अच्छा, ये वाली चीज़ें पहले पुराने समय के विचकार नहीं होंदी सी, हुण हाइपर टेंशन बढ़ गई है लोगों के विचकार, जिवें कहा कि सांस फूल जाता हैगा, दिल की बीमारियाँ या दिल का दौरा या फिर आप कही स्टंट्स पैंदे ने, यह पहले अजी चीज़ा नहीं होंदिया सी। खान पान लगता कि शायद चेंज हो गया, तो वह खान पान के चक्कर आप मतलब लोग देखी देखी आप पहले तो घर रोटी बनाते सी, हुण असी बाहर जाते आप 5-7 स्टार जाके बुफे खाना है, पिज़्ज़ा खाने हैं, बर्गर खाने हैं, तो मज़े भी लेने हैं, तो फिर बीमारियों का भी इलाज करवाना है। एब्सोल्यूटली यू आर एब्सोल्यूटली राइट। हमको ठीक तरह से समझ लेना है कि अगर हमको लाइफस्टाइल इंप्रूव करवानी है तो ये सारी चीज़ें हमको थोड़ी सी कम करवानी पड़ेंगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि हमको एंजॉय नहीं करना है, 5-स्टार होटल में जाना है, अच्छी अच्छी चीज़ों पे खाना है, ये सब करना है, लेकिन अपने लिवर को अपने को इतना मजबूत करा के रखना है कि ये खाई हुई सारी चीज़ें हम डाइजेस्ट भी कर पाएँ। अगर हमने ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट कर दी तो उससे निर्माण होने वाली अतिरिक्त चर्बी जो है वो अपने शरीर में ज्यादा निर्माण नहीं होगी, तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स नहीं निर्माण होंगे। तो इसी क्या कि लीवर दी प्रॉब्लम जो है हो सकती है अगर आप इस तरह का फूड खाते हैं, तो लीवर नु तंदुरुस्त रखने के वास्ते तुसी कहना कि थोड़ा जहा पोर्शन कंट्रोल भी करना पैना, रोकथाम भी करनी पैनी है, लेकिन लीवर नु तंदुरुस्त रखने वास्ते की करना? बहुत सारे अलग अलग उपाय हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लौकी की सब्जी। ये लौकी की सब्जी अपने लीवर के लिए सबसे बेस्ट होती है। अगर समझो इस लौकी का जूस भी हम पी लेते हैं या तो फिर सब्जी बना करके खा लेते हैं हफ्ते में एक हाथ दूसरे बार, दैट विल हेल्प, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर लीवर को मुझे मस्त तंदुरुस्त रखना है तो पेट साफ कराते रहना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर मेरा पेट साफ नहीं होता है तो उसमें से निर्माण होने वाला कचरा जो है वो अपने लीवर में थम जाता है, रुक जाता है, बैठ जाता है। सो अगर मुझे लीवर को तंदुरुस्त रखना है तो पेट साफ कराते रहना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कई सारी दवाइयाँ होती है, जैसे त्रिफला है, कुटकी है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग द्रव्य होते हैं जिनके लीवर में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, उनको भी रिवर्स कराने के लिए दवाइयाँ भी होती है एज वेल। वो दवाइयों के से भी आगे अगर अपने को जाना है तो आयुर्वेद में पंचकर्म ट्रीटमेंट बोले रखे हुए हैं, जो हम लोग क्लिनिक्स में भी करते हैं, जिनका फायदा हम ले सकते हैं लीवर के इस प्रॉब्लम को रिवर्स करवाने के लिए। अच्छा, तुसी ये तीन चीज़ें गिनवाइया, उसके विचकार एक तुसी बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू रखा कि पेट साफ होना बहुत जरूरी है। अगर साडा पेट रोज़ साफ नहीं होएगा तो बीमारियाँ बढ़नगियाँ। लेकिन हुण मैं ये भी देखा लोगों को कब्ज़ भी बहुत ज़्यादा होंगे, काफ़ी घंटे वॉशरूम के विचकार बैठे रहते हैं, उन्होंने पेट साफ नहीं होंगे, तरह तरह की दवाइयाँ खाते। तुहानू नहीं लगता कि आयुर्वेद के विचकार या फिर अपनी आप कहते सौंफ या जीरे के पानी के नाल अगर रात में भिगो के रखिए आप सवेर पीए पेट साफ हो सकता है, पर आप उसनों छड़ के आप दूजी पेट साफ करने वाली गोलियां खा रहे हैं, गैस की गोलियां खा रहे हैं? आजकल प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि हमारा विश्वास, अगर हमारा विश्वास हमारे प्राचीन साइंस पे आ जाता है तो वो भी उतना ही इफ़ेक्टिव है। आप जैसे बोले कि 100% वो सारी सौंफ वाला पानी या ये सारी चीज़ें जो रात को भी हमने भिगो के रख दी और सुबह अपना पेट साफ हो जाता है, या तो फिर नॉर्मल कैस्टर ऑयल जिसको बोलते हैं, वो 10 ml का कैस्टर ऑयल भी मैंने रात को सोते वक्त ले लिया तो कल सुबह मेरा पेट मस्त साफ हो सकता है। ऐसे बहुत सारी तरकीबें हैं जो आयुर्वेद के थ्रू हम कर सकते हैं, लेकिन आजकल वो साइंस ज़्यादा सामने नहीं आया हुआ है, इसलिए शायद लोगों को पता नहीं है। माधवबाग के तहत हम वही चीज आगे लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी को भी केमिकल की दवाइयां खाने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए माधवबाग का ये फोरफ्रंट पे है। और इन्हीं सारी चीजों से हम हार्ट डिजीज को रिवर्स करने के बारे में हम लोग अग्रगण्य है। अच्छा, हार्ट की तुसी प्रॉब्लम कह रहे हो तुसी ठीक करते हो, आयुर्वेद के विचकार दिल की बीमारियाँ किवें ठीक हो सकती है? मतलब मेरा जानने का ये इस वास्ते रुचि बढ़ रही है कि तुसी किवें इलाज करते हो आयुर्वेद के विचकार दिल की बीमारी, जिन्हों का स्टंट पिया हो या फिर जिन्हों का हार्ट स्ट्रोक आ चुका हो एक या दो बार, तो डॉक्टर ने कहा उन्हें ज़्यादा स्ट्रैस नहीं लेना, काम खराब हो सकता है। वेरी ट्रू। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, जिसको स्टेंट लगे हुए है या जिसको हार्ट अटैक आकर के हुआ है, तो इन दीज केसेस अपने को समझना है उनका हार्ट थोड़ा सा वीक है, तो उस हार्ट को मजबूत कराना है,
तो जैसे 2D इको करके एक इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें ये पता चल सकता है कि अपना हार्ट वीक है कि नहीं। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स ऐसे बहुत सारे अवेलेबल है, दवाइयाँ बहुत सारी अवेलेबल है जो आपके हार्ट वीक हार्ट को फिर से स्ट्रांग करवा सकती है। और यही वीक हार्ट जो 2D इको में दिखाई पड़ता था वो स्ट्रांग हुआ कि नहीं, ये भी 2D इको में दिखाई पड़ सकता है विद आयुर्वेदिक थेरेपीज इटसेल्फ। हमको सिर्फ यही लगता था कि सिर्फ एलोपैथी के स्टेंट्स और एलोपैथी के सर्जरी के वजह से ही हार्ट की ट्रीटमेंट हो सकती है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं ये एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरीज ये 1940-1970 के दशा में आए हुए हैं, उससे पहले ये सारे ट्रीटमेंट्स नहीं हुआ करते थे। और ब्रिटिशर्स आने से पहले पूरे दुनिया में से आयुर्वेद का प्रमाण चलता था। तो उसी आयुर्वेद को अगर हम साइंस बोल के अगर लाते हैं, अभी हमने माधव बाग ने आज तक 150 ऐसे रिसर्च पेपर पब्लिश किए हुए हैं कि ये जो माधव बाग की ट्रीटमेंट पद्धति है ये ट्रीटमेंट की वजह से पेशेंट्स में कितनी इम्प्रूवमेंट मिलती है, जिनको स्टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे सारे रिसर्च पेपर हमने पब्लिश करवा के रखे हुए हैं जो गूगल सर्च पर भी आपको मिल सकते हैं। सो आयुर्वेद की तरह से हार्ट डिसीज ट्रीट हो सकता है कि नहीं, तो एक ही जवाब है, हाँ ये ट्रीट हो सकता है। अपने को अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सी इम्प्रूव करवानी पड़ती है, डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल लाना पड़ता है, और आयुर्वेद की जो पंचकर्म चिकित्सा पद्धति है उसका अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हार्ट डिसीज भी रिवर्स हो सकता है। अच्छा आप लीवर की गल कर ली, हार्ट की भी गल कर ली, लेकिन किडनी भी बहुत इंपॉर्टेंट हैगी है, किडनी तो बगैर तो काम चल नहीं सकता किसी भी इंसान का। वेरी ट्रू, एब्सोल्यूटली राइट। किडनी ये शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट अवयव है, क्योंकि सारा कचरा जो शरीर में निर्माण होता है उस कचरे को उठा के बाहर फेंकना ये अपने किडनी का काम है। तो किडनी अगर ब्लॉक हो जाती है तो प्रॉब्लम्स निर्माण हो जाते हैं। तो किडनी को भी अगर हमको स्वस्थ रखना है तो हमको काम हार्ट पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल एनाटॉमी के हिसाब से हार्ट जो ब्लड पंप करता है उसमें से 20% ब्लड किडनी को पोषण देता है। तो अगर किडनी को ही पोषण नहीं मिला तो किडनी काम अच्छी तरह से नहीं करेगी। सो अगर मुझे किडनी को ट्रीट करना है तो हार्ट को मुझे अच्छी तरह से पंप करवा करके उससे ज़्यादा खून बाहर किडनी के पास पहुंचा करके किडनी का पोषण बढ़ाना पड़ेगा। और किडनी के लिए भी कई सारी दवाइयाँ आयुर्वेद में है, जैसे पुनर्नवा है, पाषाण भेद है, बहुत सारी अलग अलग दवाइयाँ हैं, पंचकर्म है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग डाइट के प्रकार है जो हम कर सकते हैं किडनी को रिपेयर करने के लिए। तो आपने जैसे कहा कि हार्ट है, लिवर है, किडनी है, ये सारे अवयव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे ऑर्गन्स को ठीक रखना ये आयुर्वेद बहुत अच्छी तरह से करवा सकता है। सर इस विचार एक और चीज आती ब्लॉकेज, आप कहते नाड़ियों के विचार ब्लॉकेज आ जाना, जब ब्लॉकेज आ जाते जब आप कहते ब्लॉकेज आ गई कई बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, सर चक्कर आता है, कई ICU के विचार ही बैठे रहते हैं, कई बार हॉस्पिटल चक्कर लगाते हैं, एक्सीडेंट के विचार अजि चीज़ आ जाती है, कि ये ब्लॉकेज भी ठीक कर सकता है आयुर्वेद? एब्सोल्यूटली यस, एक ही जवाब होगा यस। अगर हमको ब्लॉकेजेस को रिवर्स करवाना है तो जिस तरह से ये ब्लॉकेजेस निर्माण हुए हैं अपने गलत लाइफस्टाइल से, उस लाइफस्टाइल को रिवर्स करवाना पड़ेगा। हमने हाल ही में एक रिसर्च पब्लिश किया था कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में, कैलकटा में जो हुआ था अभी 2 हफ्तों पहले, उसमें जो रिसर्च पब्लिश किया उसमें ये बता के दिया कि ब्लॉकेजेस रिवर्स हो सकते हैं, आपको इतना डरने की ज़रूरत उसके लिए नहीं है। और जिनके ब्लॉकेजेस रिवर्स हो गए हैं वो भी लोग, हमने 3 साल उन लोगों को, हमने उन लोगों को मॉनिटर किया, तो 3 सालों में अबाउट 92% लोग वहाँ के, उन लोगों को किसी भी एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो ब्लॉकेजेस अगर है तो ब्लॉकेजेस को रिवर्स किया जा सकता है। मदद सिर्फ हमको पेशेंट की तरफ से लगेगी कि उतनी सिर्फ खाने की चीज़ें जो हम बोलेंगे एज वेल एज पंचकर्म जो करेंगे उससे खून की नलियों को थोड़ा सा और मजबूत करवा के दे देंगे, ब्लॉकेज को रिवर्स करवा के हम उनकी मदद करेंगे, ये अगर करते हैं तो ये ब्लॉकेजेस रिवर्स हो सकता है। और ब्लॉकेजेस रिवर्स अगर होते हैं तो हार्ट की ताकत मस्त हो सकती है, तंदुरुस्त रह सकता है हार्ट, और लोगों को ज्यादा आयु एंजॉय करने को मिल सकती है। अच्छा सर
क्योंकि आप गल कर रहे हैं नाड़ियों के विचकार ब्लॉकेज की, तो उस ब्लॉकेज के विचकार आता वैरिकोज वेन्स। बहुत सारे लोगों को होंगे जो ज़्यादातर खड़े रह के काम करते हैं, या फिर आप कह लिए डॉक्टर्स को भी प्रॉब्लम होंगी है ये जो वैरिकोज वेन्स ने। हूँ तो चलो RF टेक्नोलॉजी आ गई, दूजी टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन पहले तो इलाज नहीं होंगे था, मसाज वगैरह करके गर्म पानी ठंडे पानी पवा के आप इदो ठीक करने की कोशिश करते सी, लेकिन आयुर्वेद के विचकार वैरिकोज वेन ने की है। एब्सोल्यूटली, वेरिकोसिटी वेरिकोज वेन्स ये अलग रोग है, ब्लॉकेज एक अलग रोग है, लेकिन वेरिकोज वेन्स आपने जैसे बताया कि मसाज के थ्रू गर्म पानी का सेक लेकर के ये जो हुआ करती थी चिकित्सा पद्धति, इसी चिकित्सा पद्धति को अगर हम दवाइयों के तेल से, दवाइयों के बाफ से, दवाइयों खाने के वजह से, दवाइयां बस्ती में से, ये सारी जब चीज़ें करते तो वेरिकोज वेन्स में जो वेन्स का टोन गायब हो चुका है, वेन्स जो ढीली हो चुकी है, उन वेन्स को इम्प्रूव कराने के लिए भी मदद हो सकती है। ऑब्वियसली उसमें एक्सरसाइज का भी थोड़ा सा प्रभाव आएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें कर करके कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें वजन ज़्यादा होता है, वेट ज़्यादा होने की वजह से भी वेरिकोसिटी आ जाती है, तो वहाँ पे वो करना बहुत ज़रूरी होता है कि वज़न भी हमको कम करना पड़ता है। लेकिन कई बार हम लोग कई सारे वेरिकोज वेन्स और स्पाइडर वेन्स ये दोनों में हम लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो वेरिकोज वेन्स ये काफ़ी डरावना रोग है, लेकिन 90% लोगों को जब देखा जाता है तो वेरिकोज वेन्स नहीं होती, स्पाइडर वेन्स होते हैं। जो मसल मेरे टोन कम हो गए, मसल ढीले हो गए, तो वो स्पाइडर वेन्स दिखाई पड़ती है। तो उनमें तो सिर्फ कसरत भी कर दिए, अगर उस कसरत की चिकित्सा कर दिए और दवाइयों का तेल सिर्फ लगाने के लिए इस्तेमाल कर दिया, तो भी वेरिकोज वेन्स उसमें कम हो सकते हैं, एज वेल स्पाइडर वेन्स तो जरूर कम हो सकते हैं। रोहित जी, तुहाडे नाल जिन्नी गल बात कीती, तुसीं बार बार कहा कि खाना पीना बहुत जरूरी है, लेकिन तुसीं देख रहे हो हुण खाने पीने की वरायटी बहुत आ गई, कोल्ड स्टोरेज वध साडा वध गया, प्रोसैस फूड साडा वध गया, भावें आपां घर दे विच खाइए या फिर बाहर खाइए, खाना असीं प्रोसैसड फूड ही है। अब इसी पे हमको काम करना है कि जितना हम रॉ मटेरियल, रॉ फूड हम लोग खा सकते हैं उतना बेहतर, जितने रॉ फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल खाएंगे उतना बेहतर, प्रोसेस्ड फूड जितना कम खाएंगे उतना बेहतर। पर समझो कभी प्रोसेस्ड फूड खाना भी पड़ गया, तो अगर हम लोग अच्छी तरह से अगर हम उपवास करते हैं और अपने पेट को खाली रखने की कोशिश करते हैं 8 से 10-12 घंटों के लिए, अगर वो प्रोसेस फूड खाने के बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर करते हैं, तो उसका भी प्रभाव अच्छा हो सकता है, क्योंकि उतना वक्त अपने लिवर को हमको देना है उस प्रोसेस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो अगर मेरे लिवर को मैंने अच्छा समय दे दिया उस प्रोसेस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, तो प्रोसेस फूड भी हानि नहीं करवाएगा, लेकिन प्रोसेस फूड से बेहतर होगा ऑलवेज रॉ वेजिटेबल्स एंड रॉ फ्रूट्स। ये जितनी रॉ चीजें हम खाएंगे उतने रोग से दूर रहेंगे। अच्छा, रोग तो तुम दूर कराने की कोशिश कर रहे हो लोगों को, पर सब तो बड़ी गल यह आ जाती है जब तुम पोर्शन कंट्रोल की गल कर रहे हो, आयु दे एज दे हिसाब दे नाल, क्योंकि बच्चा होंदा उहदी भुख ज़्यादा होंदी है, पर फिर भी उत्थे पोर्शन कंट्रोल बच्चे नूं भी कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि अजकल दे बच्चे चिप्स मैगी ए बाहर दा खाना वो ज़्यादातर खाते, इस दे विचकार माँ प्यो दा भी हिस्सा पूरा बराबर है कि उन्होंने डिमांड्स पूरी करते, फिर कहिंदे ने ऑब्सिटी आ गई है, फिर बच्चों के विचकार भी विकार जे ने वो वधदे जा रहे हैं। एब्सोल्यूटली, यू आर एब्सोल्यूटली राइट। आजकल ये बच्चों में जो ओबेसिटी बढ़ते चली जा रही है, दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। आपने जैसे बताया पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों के उस उम्र में से हमने उनको सिखा दिया तो आगे जा कर के उनको बाकी चीज़ें करना बहुत आसान होता है। तो पोर्शन कंट्रोल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और पोर्शन कंट्रोल में भी कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाते हैं उस कार्बोहाइड्रेट को कम कराना, प्रोटीन्स को बढ़ाना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो पोर्शन कंट्रोल इज़ द बेस्ट आंसर ऑन एवरी डिसीज मैनेजमेंट। अगर पोर्शन कंट्रोल कर देते तो अपना काम यूं चुटकियों में हो जाता है, हमारे लिए हम पर जो लोड आता है डॉक्टरों पर वो लोड कम हो जाएगा, वो पेशेंट अगर खुद बखुद ट्रीट हो जाते हैं तो डॉक्टर पर आया हुआ लोड कम हो जाएगा, हम अपनी लाइफ अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। रोहित जी, ये जानने की कोशिश करेंगे, जैसे अपनी कंपनी की स्टार्ट की, देश भर के 240 तो वे क्लीनिक्स ने, वख वख थावां दे विचकार वख वख तरह की प्रॉब्लम्स तुसी फेस करते हो गए। 2020 तो बाद करोना जब आया, बहुत सारी चीज़ा आईया, बहुत सारे लोगों बहुत सारी दिक्कत पेश आई, तो मेरा जानने का यह मकसद है कि 240-41 जितनी भी तुहाडे क्लीनिक्स ने, कि करोना वायरस के नाल जो हुण नए वेरियंट की गल कर रहे हैं, कि करोना के नाल भी लोगों की इम्यूनिटी जीरो हो सकती है, वह बीमारी के नाल ग्रस्त हो सकते हैं। ओके,
ओके पहले तो मैं बताना चाहूँगा, अब हम 240 से आगे चले गए, वी आर नॉट 358 क्लिनिक्स ऑल ओवर द नेशन, दैट इज वन। हाँ, अब कोरोना के बारे में अगर बात करेंगे तो हम सबको मालूम है कोरोना वायरस जो अपने शरीर में अंदर जाता है वो अपने नेजल ट्रैक में से अंदर जाता है, और अगर हमारे शरीर की इम्यूनिटी अगर बहुत पावरफुल रही तो उस इम्यूनिटी में अपने शरीर में ये कोरोना वायरस जिंदा नहीं रह सकता। सो द ओनली आंसर टू इम्प्रूव आर इम्यूनिटी, एक ही चीज़ है, वो है अपनी कसरत। अगर हम रोज़ सुबह नाश्ते से पहले आधा घंटा मिनिमम कसरत करते हैं, उस कसरत में अलग अलग प्रकार के कसरत हो सकते हैं, कोई एरोबिक एक्सरसाइज कर सकता है, कोई योगा प्राणायाम कर सकता है, कोई मेडिटेशन कर सकता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कसरत हो सकते हैं। लेकिन अगर प्राणायाम की अगर कसरत की जाए तो प्राणायाम और एरोबिक एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन अगर किया जाए और उसमें अगर योगासन जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आ जाए तो उनके वजह से अपनी इम्यूनिटी इतनी पावरफुल हो सकती है कि हमको कोरोना वायरस के नए वेरिएंट एज वेल एज पुराने वेरिएंट किसी से भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी वायरस हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, अपने शरीर के पास अगर इम्यूनिटी अगर अच्छी रही तो हमको उनसे डरने की जरूरत नहीं। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही चीज करनी पड़ेगी, रोज सुबह नाश्ते से पहले आधा घंटा मिनिमम एक्सरसाइज। वैसे मैं ज़्यादातर डॉक्टर से सुन दिया इम्यूनिटी बूस्टर खाने चाहिए ने, ये दवाइयाँ ने, वो दवाइयाँ ने, पर पहली बार मैं सुनिया है सर कहते ने ब्रेकफास्ट तो आधा घंटा पहले कसरत करनी है, भावे किसी भी तरीके की करो। लेकिन सब तो वड्डी गल हैगी है जो आई थिंक अज मैं रोहित सर नाल गलबात करके जाने कि तुहाडे शरीर के विचकार जिन्हां अंगां नूं सब तो ज़्यादा जरूरत है तुहाडे रख रखाव की, तो उसना दे विचकार लीवर, हर्ट ते किडनीज आ गए। इस दे नाल ही सब तो वड्डी गल है कि पोर्शन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, असी की खा रहे ने, किस ढंग नाल खा रहे ने, ये देखना बहुत जरूरी है। तो सानू कॉन्ग्रेचुलेशन चंडीगढ़ के विचकार भी तुसी पहुँच चुके हो, तो इत्थे दे लोकां नूं कुछ कहना चाहोगे तुसी? एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमको हार्ट डिसीज़ फ्री इंडिया का निर्माण करना है। अगर आप लोग हमारी मदद करेंगे रोज़ सुबह नाश्ते से पहले आधा घंटा कसरत करके, तो मेरे ज़िंदगी का मकसद जो है हार्ट डिसीज़ फ्री इंडिया का निर्माण करना, वो पूरी तरह से मैं अचीव कर पाऊँगा। सिर्फ आप लोगों की मदद की ज़रूरत है जी, और आप अपनी ही मदद कर रहे हैं, अपनी ही मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो सब तो वड्डा संदेश जो सीगा ए इना दा कहना कि मैं जो चाह रहा दिल दी बीमारी दे ग्रस्त लोका जे ने वो बाहर आण ते इना दी मदद करन। सब तो वड्डी गल अगर तुसी तंदुरुस्त होगे, सेहतमंद होगे, तुसी आप दी आप ही सहायता कर रहे हो। कैमरामैन दीपक दे नाल नीरू बिचरवान, दैनिक सवेरा टीवी।